नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की। पवित्र रमजान के महीने में चुनावी प्रक्रिया का पानीपत के मुस्लिम समाज ने किया स्वागत, धर्म को राजनीति से न जोड़ने की कही बात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने विभिन्न विभागाध्यक्षों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा लोकायुक्त की जांच में सेक्टर 11 स्थित हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति द्वारा बनाए गए शोरूमों पर उठाए गए सवाल। स्थानीय श्री देवी मंदिर में भगवती पार्वती का भगवान महाकाल के साथ विदाई समारोह आयोजित। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जिले की 12 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। इंदिरा कॉलोनी में बीते 40 सालों से झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों को रेलवे पुलिस ने खदेड़ा, लोग हुए बेहद परेशान। पानीपत के सेक्टर 29 में सीवर डालने की धीमी गति से उद्योगपति हो रहे हैं परेशान, सड़कों पर खड़ा रहता है गंदा केमिकल युक्त पानी। हरिनगर के रहने वाले जयप्रकाश पाठक अपनी पत्नी और बच्चे की गुमशुदगी को लेकर हैं परेशान। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। पवित्र रमजान के दिनों में लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया रहने के चलते कुछ लोग चुनाव की तारीख पर जो विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, उसका पानीपत के मुस्लिम समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यदि रमजान के दिनों में लोकसभा चुनाव होते हैं तो यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि रोजेदार इन दिनों में परवरदिगार की खिदमत में रहते हैं, ऐसे में वे पवित्र आत्मा से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। याद रहे कि कुछ संगठन विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से यह ऐतराज करते देखे गए कि रमजान के दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीख बदलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि भारत में लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल से 7 चरणों में शुरू हो जाएंगे, जो कि 19 मई तक मतदान की प्रक्रिया तक जारी रहेंगे। 19 मई को जहां मतदान की आखिरी तारीख है, वहीं 23 मई को मतगणना का दिन निर्धारित किया गया है। यहां यह जानना आवश्यक होगा कि भारत में पवित्र रमजान 5 मई से शुरू होने हैं और 5 तारीख से ही रोजेदार रोजे पर होंगे और इस प्रकार 6 जून को ईद के त्योहार पर रोजेदार अपना रोजा खोलेंगे। जाहिर है कि चुनाव प्रक्रिया कहीं पर भी रमजान के त्योहार को प्रभावित नहीं करती दिख रही है। यही कारण है कि पानीपत के मुस्लिम समाज ने बहुत ही सकारात्मक रूप से यह कहा कि धर्म को सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिन्होंने धार्मिक कार्य करने हैं वे स्वतंत्र हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव भी भारत में जनतंत्र का एक उत्सव है, इसलिए इस उत्सव का किसी भी सूरत विरोध करना जायज नहीं माना जा सकता। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न लोगों ने अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। इसमें जो चुनाव आयोग ने जो डेट फाइनल की है उस डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, संविधान को मानना हमारा फर्ज है, देश का संविधान सभी के लिए है, जो मुस्लिम हो या हिंदू। मेरा मानना यह है कि कुछ लोग जो इस बात को बवाल मचा रहे हैं कि हमारे रमजान शुरू हो चुके हैं, रमजान का पाक मुबारक महीना जो है बहुत अच्छी बात है, रमजान महीने में चुनाव है, तो उनका धर्म को, मेरी रिक्वेस्ट है कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए और चुनाव आयोग ने जो डेट डिसाइड कर दी है उसी डेट में चुनाव होने चाहिए। एक रोजा रखना एक मुसलमान का अधिकार है और जो चुनाव है वो चुनाव मामला है, तो उन्होंने तारीख डिक्लेयर कर दी तो उसके हिसाब से इलेक्शन होंगे। एक मुसलमान की ड्यूटी है भी अपना रोजा भी रखो और वोट का अधिकार है, वोट भी डाल दिया। और हमारी जो हार्दिक इच्छा है कि प्रत्याशी पानीपत से हो तो बहुत ही स्वागत है। जो जनता के लोग हैं उनको सबको मिलकर ऐसे नेता को चुनना है जो क्लियर मेजोरिटी लेके आए और समाज के लिए, देश के लिए, देश हित में काम करे। जैसा कि कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी है, इस दिन का जागरूक मतदाता जो भी है अपने पूरे भारत देश का काफ़ी दिनों से इंतजार करता है और करेगा भी जो भी आने वाला टाइम, कि हम अपने हाथ से बहुत बढ़िया था आने वाली सरकार, मजबूत सरकार बनाएं। सेक्टर 11 में हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति को उस समय धक्का पहुंचा जब लोकायुक्त हरियाणा की जांच में पाया गया कि देवपुरी रोड पर निर्धन वर्ग के 15 प्लाटों पर 2016 में 22 शोरूम अवैध रूप से बनाए गए थे।
याद रहे कि आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर लोकायुक्त को 4 जुलाई 2016 को शिकायत भेजी थी, जिसमें उन्होंने कब्जा छुड़वाने की अपील की थी। उधर देवपुरी शमशान समिति का बयान था कि उन्होंने यह जमीन अलॉट करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखित आवेदन दिया था और अब हुड्डा विभाग ने उन्हें इससे संबंधित एक पत्र भी भेजा हुआ है। हालांकि जब उनसे उनका पक्ष जानना चाहा तो समिति के प्रधान ने फोन रिसीव नहीं किया। उधर शमशान समिति के कुछ सदस्यों ने भी माना कि यह स्थान बच्चों को दफनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा। उन्होंने सामने न आने की शर्त पर कहा कि समिति को लालच नहीं करना चाहिए, यह जगह सरकार ने गरीबों के लिए छोड़ी थी, जिस पर नियत रखना जायज नहीं है। जाहिर है शमशान समिति के भीतर भी काफी अंतर विरोध पाया गया। सभी अधिकारियों को, जिसमें दो स्टेट ऑफिसर हैं हुड्डा के, विकास हुड्डा व दीपक घनखस व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, इनको नोटिस जारी करके इनसे लिखित में जवाब तलब किया है और 9 अप्रैल को इसमें आगामी कार्रवाई होगी, जिसमें माननीय लोकायुक्त सुनवाई करेंगे। मैंने ये भी आरोप लगाया था कि ये कब्जे इसलिए नहीं हटे और ये कब्जे इसलिए हुए क्योंकि पानीपत के जो विधायक हैं रोहिता रेवड़ी, जो कि हैदराबादी बिरादरी से संबंधित हैं, और ये जो हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति के लोग जो उसकी बिरादरी से संबंधित हैं, यही कब्जाधारी हैं। इसके कारण से तत्कालीन डीसी ने इन पुलिस फोर्स नहीं दी हुड्डा विभाग को कब्जे हटवाने के लिए, पूरा राजनीतिक संरक्षण था। हमारी मांग है कि ये तत्काल ये अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं और जो भी इसके अंदर दोषी हैं हुड्डा विभाग के अधिकारी और ये जो कब्जाधारी, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। कैलाश पर्वत से भगवान शिव की बारात हिमाचल राज्य के यहाँ पहुंची थी, जहाँ विधि विधान के साथ भगवान और भगवती का विवाह संपन्न करवाया गया था। पानीपत की कैलाशी सेवा समिति द्वारा विगत 4 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की बारात श्री देवी मंदिर पहुंची थी और आज के दिन माँ की विदाई का समारोह आयोजित किया गया। देवी मंदिर शयन आरती व कीर्तन मंडली द्वारा सोमवार को देवी मंदिर से भगवान महाकाल के साथ माँ पार्वती की विदाई को लेकर एक पालकी निकाली गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जेपी शर्मा, ललित शर्मा, संदीप तायल, अशोक कैलाशी, प्रमोद व पवन गुप्ता आदि मौजूद रहे। भक्तों ने माँ और भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया। देवी मंदिर में भोले बाबा की बारात 4 तारीख से अभी हिमाचल में रुकी हुई थी, वो आज कैलाश के लिए चल पड़ी है और भोले बाबा दूल्हा के रूप में और माँ पार्वती दुल्हन के रूप में हमारे यहाँ मंदिर में पधारे हैं, अपने घर में स्थान में पधारे हैं। लोकसभा चुनाव को पानीपत जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने रक्षा सचिवालय के द्वितीय तल के सभागार में विभिन्न सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और विभाग अध्यक्षों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव आयोग की हिदायतों की जानकारी दी, ताकि किसी भी तरह की भ्रांति न हो। सुमेधा कटारिया ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगामी 12 मई को हरियाणा में लोकसभा के आम चुनाव के मतदान की तिथि निश्चित की गई है। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा में 12 मई को लोकसभा चुनाव के तहत मतदान होगा। 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 अप्रैल तक नामांकन दर्ज करवाए जा सकेंगे और 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तहत 12 मई को मतदान होगा और 23 मई को मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनके कार्यालय के आसपास किसी भी राजनीतिक पार्टी का होर्डिंग या बैनर तथा नारे इत्यादि चस्पा न करने दें। कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाने की बात हो अथवा घृणा या तनाव की बात हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संसदीय चुनावों के घोषणा जो कल की गई, उस दृष्टिकोण से आज एक वृहद स्तर की मीटिंग की गई, जिसमें हमारे सभी 4 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, जो करनाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उनसे संबद्ध सभी ARO's और सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स, पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही बैठक की गई। और चाहे हमारे यहाँ 6 फेज में चुनाव होना है, चुनाव की तारीख 12 है और 16 अप्रैल से नॉमिनेशंस होने हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया का आरंभ कल शाम से ही हो चुका है। चुनावी प्रक्रिया के आरंभ से मतलब होता है कि इस समय हमारा जिला के सभी अधिकारीगण
हम सब सेक्शन 13 सीसी के तहत हम इलेक्शन कमीशन के प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो जो भी चुनावी कार्यों को लेकर के जो भी व्यवस्था के प्रश्न हैं उनके लिए सभी विभाग अध्यक्षों के साथ साथ उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। पानीपत के सेक्टर 29 के इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी बदहाली कायम है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं और केमिकल युक्त पानी सड़कों पर बहता रहता है। सीवर का बजट पास हो चुका है, सड़कें काफी हद तक बन गई हैं, लेकिन सीवर डालने की गति बेहद कम है। इसकी वजह से बनी हुई सड़कें भी टूट रही हैं, पानी वहां पर जमा हो जाता है। मीडिया में पहले भी ये बात कई बार आ चुकी है कि काम धीमी गति से हो रहा है। पहले भी 6 महीने काम नहीं हुआ, उसके बाद फिर से शुरू हुआ, लेकिन काम को फिर बंद कर दिया गया और इसी वजह से काम में देरी हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें 2 डिपार्टमेंट्स के बीच बांट दिया गया है, हुड्डा और निगम। लाइट और रोड का काम निगम देखता है, जबकि सीवर पानी और नहरी पानी का काम हुड्डा देख रहा है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार ने पुराने सीवर निकाल दिए, लेकिन नए सीवर अभी तक डाले नहीं गए। इस काम को करते हुए 1.5 से 2 साल हो गए हैं और इसी वजह से गंदगी काफी ज्यादा है। पिछली बार भी डेंगू काफी लोगों को हुआ था और इस बार भी लोगों में आशंका बनी हुई है। जो प्रॉब्लम है बेसिकली, वैसे तो हमारे सीवर का बजट पास है, सीवर डालने शुरू हो गए हैं और रोड बन गए हैं काफ़ी 95%, लेकिन समस्या क्या है, अभी जो सीवर डालने की जो स्पीड है वो बहुत कम है। उस चक्कर में जो हमारे बने बनाए रोड है वो भी पानी रुकने की वजह से टूट रहे हैं। हम पीछे भी मीडिया में ये बात बताई थी कि उस बंदे का जो काम है मीडिया में वो बहुत स्लो चल रहा है। पहले 6 महीने कोई काम नहीं किया, फिर स्टार्ट किया, फिर बंद कर दिया और उसी वजह से मेन हो रहा है। नहीं तो हमारा लगभग 10 करोड़ 5 लाख की नहर की पानी की लाइन और लगभग 9.5 करोड़ रुपये सीवर के और 34 करोड़ की सड़कें यहाँ पे हमारी पास हुई हैं, जो बन गई हैं, बन रही हैं। लेकिन मेन समस्या ये है कि अभी भी रख रखाव की है। साफ सफाई के लिए यहाँ पे कोई बंदे ही नहीं है उड्डा से, निगम से कोई आगे सफाई कर दें, रोड पे झाड़ू मार दे, उस पर कोई भी दिखाव नहीं है। सीवर के बंदे हैं उसमें कोई काम नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आरएपीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं को और जो महिलाएं अपने बलबूते अपने परिवार को चला रही हैं, ऐसी 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही जयवानी भारती ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा पहले भी उत्कृष्ट कार्य किए जाते रहे हैं। साल 2019 में पानीपत में उनका पहला कार्यक्रम है। इसमें पानीपत शहर से नहीं बल्कि पूरे जिले से 12 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार, महापौर अवनीत कौर, शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, समाजसेवी अंजू अग्रवाल, संजय अग्रवाल और नीलम नागपाल आदि मौजूद रहे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक फाउंडर और हेड गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में, उन्हीं की डिवाइन गाइडेंस में ये प्रोग्राम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, ये संतुलन एक सामाजिक प्रकल्प है। यूं तो संस्थान के बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प चल रहे हैं और देशों विदेशों में इन प्रोग्राम्स को किया जाता है। पानीपत हरिनगर कॉलोनी के रहने वाले जयप्रकाश पाठक अपने बच्चे और पत्नी की गुमशुदगी को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी पत्नी खुशबू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, अपने 2 साल के बच्चे के साथ कहीं चली गई है। ये बात 1 मार्च की है और तब से जयप्रकाश बेहद परेशान है। अपना कामकाज भी छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में लगे हुए हैं। हताश होकर उन्होंने 8 मार्च को थाना मालोटाउन में केस दर्ज करवाया ताकि उनकी पत्नी और उनका बच्चा उन्हें वापिस मिल सके। मेरी पत्नी खुशबू देवी घर से लापता हो गई है और मैं उसको जगह जगह खोज रहा हूँ, फिर भी नहीं मिल रही है। और 2 साल का बच्चा है मेरा उसका, उसके साथ। पानीपत की इंदिरा कॉलोनी में अवैध रूप से बनाई गई लगभग 100 झुग्गी झोपड़ियों को रेलवे पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया गया। इसे लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। उनका कहना है कि बीते 40 साल से वहां पर रह रहे थे। केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि हर एक के सिर पर छत होगी, लेकिन उनकी तो छत ही छीन ली गई। अब वे कहां पर रहेंगे, उनके सामने रहने की समस्या पैदा हो गई है। अपने परिवार के साथ वे लोग कहां जाएं, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और इसी को लेकर लोग बेहद परेशान हैं।
साहब ऐसा है कि हमने कब 40 साल से हमने रुके हैं, 40 साल के बाद में ना हमको मोदी ने सरकार ने हमको कह दिया कि जमीन दूंगा, ये दूंगा, कागज वागज सब बना तैयार। हम भाई ये तालाब था, ये तालाब की वजह से मैंने इसको पार्ट फूट के इसमें हमने झुग्गी लगाया, मैंने झुग्गी लगा के झोपड़ी वाले अपना बसिंदा करा है। हमारे राशन कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बने हुए हैं, आधार कार्ड भी बने हुए हैं। इसके साथ ही सिटी तालका न्यूज़ के इस बुलेटिन को विराम देने की गिरीश मानव को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिटी तालका टीम की ओर से नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।